बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में वन पॉट चिकन रेसिपी बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस ले लिया है और उसको स्ट्रिप्स में मैंने ऐसे करके लंबा लंबा काट लिया। दो मीडियम साइज़ के टोमेटोज, टू एग्स, वन मीडियम साइज़ का अनियन है और टू मीडियम साइज़ पोटैटोस हमने यहाँ पे चॉप कर लिए। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम चिकन में शामिल कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने बाउल में ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे चिकन है बोनलेस, टोमेटोस, अनियंस और हमारे पोटैटोस। अब इसमें हम अपनी सीजनिंग शामिल करेंगे, जिसके लिए हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, और हाफ टी स्पून ओरेगानो। फोर टू फाइव टेबल स्पून ऑयल। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स करके इसका सॉल्ट चेक कर लेंगे। अगर सॉल्ट की कमी होगी, मज़ीद ऐड करना होगा, तो इसमें हम सॉल्ट ऐड करके ओवन में रख देंगे, इसको एल्यूमिनियम फॉइल के साथ कवर करके। ओवन मैंने प्री हीट के लिए रख दिया है, ऑन कर दिया है, प्री हीट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल जो है से कवर कर दिया डिश। अब इसको ओवन में हम रख देंगे, प्री हीटेड ओवन है। और इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए हम 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। रेसिपी को तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है, हाफ एन आवर हो चुका है, 30 मिनट्स। अब इसको हम चेक कर लेते हैं बाहर निकाल के। बिल्कुल आप इसको बहुत ही केयरफुली चेक करें, बिकॉज इसमें हीट है और हीट से आप अपना हाथ और जो है वो बर्न ना कर लें। बहुत ही केयरफुली इसको आप उसमें से निकालें। हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन भी बिल्कुल पक चुका है। अब इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, बिल्कुल लाइट लाइट सा पानी है ये। अब हम इसको बिल्कुल कवर नहीं करेंगे, दोबारा हम इसको ओवन में रखेंगे। बट उससे पहले हम जो अपने एग्स थे उसमें उनको हम बीट कर लेंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, इसको बीट करके अच्छे से। अच्छे से बीट करके इसको आप इसमें डिश में शामिल कर दें। चलिए जिस दोबारा से डिश को ओवन में रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिश को दोबारा से बाहर निकाला है और ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ इसमें बटर ऐड करूँगी और बटर के मैंने छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट लिए और उसको मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और मज़ीद 5 मिनट्स के लिए इसको
कुक होने के लिए ओवन में दोबारा से रख देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार वन पॉट चिकन रेसिपी जो है वो हमारी रेडी है। अब इसको आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी कि डिश आउट करके ये उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और अपने फीडबैक से मुझे आगाह करेंगे कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए।